नमस्कार, मैं अनिल शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कॉमर्स बाय पाठक सर में। आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो भी GST के एक इलस्ट्रेशन के ऊपर ही निर्भर है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 DK गोयल बुक का आपको GST का क्वेश्चन मैं समझाने वाला हूं यहां पर, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स ठीक है। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 में उसने हमें दिया क्या है, इसको पढ़ते हैं। जर्नल बनानी है हमने, CGST दिया 9%, SGST दिया 9%। ये कहा है कि ये भी मानना है कि सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो हुई है वो विद इन स्टेट हुई है। तो आइए डेट पर्टिकुलर लेजर फॉर योर अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। तो अभी होगा क्या, आपको फरवरी 5, 2018 को लक्ष्मी ट्रेडर्स की जर्नल तैयार करनी। तो यहां लिखेंगे जर्नल ऑफ लक्ष्मी ट्रेडर्स। आपको डेट दी गई है फरवरी 5, 2018 के द परचेज गुड्स फॉर 5 लाख फ्रॉम चौहान ट्रेडर्स एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। क्या किया, गुड्स परचेज की कितने की, 5 लाख रुपए की, ट्रेड डिस्काउंट MRP पे लगता है, ये MRP है लेस ट्रेड डिस्काउंट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो कितना हो गया, 5 लाख का 20%, 1 लाख रुपए क्या हो गया आपका, यहाँ 50 लाख लिख दिया, 1 लाख रुपए आपका ट्रेड डिस्काउंट हो गया। तो परचेज कितने की हमने, 4 लाख रुपए। ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट हमने उसको पे करना है उस पर GST लगेगी, याद रख लिए ये बात। GST किस पे लगेगी, ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो आता है। तो देखिए कितने रुपए देने होंगे, एड 9% CGST 4,36,000 और 9% SGST 36,000, यानी कि 4,72,000 रुपए हमें देने होंगे, जो कि किसको देने हैं, जिससे माल खरीदा, माल खरीदा किससे है, चौहान ट्रेडर्स। तो देखिए क्या एंट्री होती है, आप सभी को आ भी गई होगी ये वाली एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट कितना, 4 लाख ये वाला अमाउंट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 36,000, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 36,000, 2
चौहान ट्रेडर्स कितना हो गया 4,72,000 कैलकुलेट हो जाएगी बीइंग गुड्स परचेज ऑन 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये नरेशन लिखेंगे फरवरी 10 कहता है सोल्ड गुड्स टू पुष्कर ₹4,320 पुष्कर को 3,20,000 रुपए का माल बेचा सेल्स की 3,20,000 रुपए का डिस्काउंट नहीं था इस पे सिंपल लिखा है सोल्ड गुड्स टू पुष्कर ब्रदर्स 4,320 3,20,000 का 9% CGST निकालेंगे 3,20,000 का 9% निकालते हैं 9,00,9,00,9,18,1,9,23,28,800 ये क्या है आपका आउटपुट CGST आउटपुट SGST भी कितना आएगा सेम अमाउंट 28,800 यानी कि 28,56,57,620 3,70,600 रुपए का टोटल अमाउंट बना है। ठीक है उधार पर खरीदा है पुष्कर ब्रदर से सॉरी बेचा है तो पुष्कर ब्रदर से हमने लेना कितना है पुष्कर ब्रदर्स से हमने अमाउंट लेना है 3,70,600 टू सेल्स सेल्स कितनी है हमारी 3,20,000 टू आउटपुट आउटपुट CGST 28,800 टू आउटपुट SGST 28,800 तो दूसरी ट्रांजेक्शन भी हमारी यहां पर क्या हो गई पूरी हो गई। उसके बाद फरवरी 15 कि पुष्कर ब्रदर से एक चेक रिसीव हुआ 2,00,000 का और उस चेक को उसी दिन हमने बैंक में जमा करवा दिया। वो तो अपनी पेमेंट दे रहा है पेमेंट जब देगा या हम किसी को पेमेंट देते हैं तो उस समय GST नहीं लगती। तो इस ट्रांजेक्शन में GST का कोई काम नहीं है सिंपल पुष्कर ब्रदर से चेक आया है और चेक जमा भी करवा दिया बैंक बढ़ गया बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 2,00,000 टू पुष्कर ब्रदर से 2,00,000 रुपए का चेक बरामद हुआ रिसीव हुआ तो ये एंट्री हो जाएगी। उसके बाद फरवरी 18 की ट्रांजेक्शन है कि परचेज फर्नीचर फॉर 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक 50,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा और उस पर पेमेंट की गई। आइए देखते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने का खरीदा है 50,000 का इनपुट CGST कितने परसेंट है 9% 50,000 का 9% 4,500 इनपुट SGST 50,000 का 9% हो गया 4,500 टू बैंक पेमेंट चेक से की है इसलिए टू बैंक कितना आ गया 59,000 आंसर में कितना आ गया 59,000। उसके बाद फरवरी 20 उस दिन क्या एंट्री होती है
कहता है पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 20,000 बाय चेक। एडवर्टीजमेंट के लिए हमने 20,000 रुपए चेक से पे किए, तो देखिए क्या एंट्री होगी। एडवर्टीजमेंट खर्चा है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना था 20,000, इनपुट सीटीएसटी 20,000 का 9% 1,800, इनपुट एसडीएसटी 1,800 टू बैंक, क्योंकि पेमेंट बैंक से की है जी, ये हो जाएगी आपकी 23,600 रुपए। ये फरवरी 20 की ट्रांजेक्शन थी। दो ट्रांजेक्शन और हैं इस सवाल में, दोनों ट्रांजेक्शन को हम करेंगे इस साइड बिना फॉर्मेट के। फरवरी 22 को, फरवरी 22 को क्या कहा उसने, सोल्ड गुड्स 4 रुपीज 1 लैक, 1,00,000 रुपए की वस्तुएं बेची और एक चेक रिसीव हुआ और चेक को तुरंत बैंक में जमा करवा दिया गया, यानी कि सेल कितने की थी 1,00,000, 9,000 आउटपुट सीजीएसटी और 9,000 आउटपुट एसजीएसटी, टोटल 1,18,000 का अमाउंट बन गया, जो कि हमने रिसीव करना है चेक से और चेक उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया गया, यानी कि टोटल बैंक कितना आएगा हमारे पास चेक 1,18,000 रुपए का, बैंक अकाउंट डेबिट 1,18,000 टू सेल्स, सेल किया था हमने 1,00,000 रुपए का, टू आउटपुट सीजीएसटी 9,000, टू आउटपुट एसजीएसटी 9,000। उसके बाद फरवरी 22 की ट्रांजेक्शन थी। देन कहता है फरवरी 25 को कमीशन रिसीव हुआ, क्या रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया 10,000 रुपए का। तो आइए करते हैं, कमीशन जो रिसीव हुआ है वो कैश रिसीव हुआ है, क्योंकि उसने बाय चेक नहीं कहा, तो 10,000 रुपए का कमीशन था, 900 रुपए आउटपुट जीएसटी और 900 रुपए आउटपुट एसजीएसटी, तो कैश टोटल कितना आ गया, कमीशन था 10,000 का, आउटपुट सीजीएसटी थी 900, आउटपुट एसजीएसटी थी 900, टोटल 11,800 रुपए आपको मिलने चाहिए, यानी कि क्या एंट्री हो गई, कैश अकाउंट डेबिट 11,800 टू कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव कितना 10,000 टू आउटपुट सीजीएसटी 900 टू आउटपुट एसजीएसटी 900। ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है, इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी से सीजीएसटी की पेमेंट के बारे में हमने काम करना है। आइए देखते हैं कैसे एडजस्ट करेंगे इसको। पहले
इनपुट टोटल इनपुट सीजीएसटी कैलकुलेट करते हैं, टोटल इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी 36,000 प्लस यहां आउटपुट है, यहां है ही नहीं, 4500 यहां पर 1800 और यहां पर दोनों आउटपुट है, तो टोटल हो गई 3640 और 42,300 इनपुट सीजीएसटी आपकी आई 42,300 टोटल इनपुट एसजीएसटी भी आपकी कितनी आएगी 42,000 आएगी, सॉरी 42,300 क्योंकि जहां सीजीएसटी है वहीं पर एसजीएसटी साथ साथ। अब क्या करूं मैं, जैसे इनपुट निकाला वैसे ही टोटल आउटपुट सीजीएसटी भी निकाल लेते हैं। टोटल आउटपुट सीजीएसटी इस ट्रांजेक्शन में इनपुट है नहीं आया है, इसमें सीजीएसटी है 28,800, तीसरी ट्रांजेक्शन में नहीं है, इसमें इनपुट है, इसमें भी इनपुट है, यहां पर है 9,000 और यहां है 900 रुपए, यानी कि 2809 37,800 और 900 ये हो जाएगा 38,700 टोटल आउटपुट एसटीएसटी में कितनी हो जाएगी आपकी 38,700। अब देखिए इनपुट सीजीएसटी वो होती है जब भी हमने परचेज की इनपुट सीजीएसटी लिखी, यानी कि वो सीजीएसटी जो हम पे कर कर आए हैं, ठीक है, और आउटपुट सीजीएसटी जो हमने माल बेचकर कलेक्ट की है गवर्नमेंट के लिए। हमने कलेक्ट तो की कितनी 38,700 और हम भराए कितनी 42,300। हमने जो माल खरीदा उस पे सीजीएसटी हमें गवर्नमेंट को नहीं देनी, किसको देनी है, सेलर को, वो भरेगा, ठीक है ना। अब हम जीएसटी कितना भर के आए हैं 42,300। अब जो हमने रिसीव किया है जीएसटी भरने के लिए कितना 38,700, यानी कि हम तो जितना हमने कलेक्ट किया उससे ज्यादा पहले ही भर चुके हैं, पहले ही अगेंस्ट में हमने एडजस्ट कर चुके हैं और अभी और भी बाकी है 42,300 माइनस 38,700 यानी कि हो गया भाई तुम्हारा 1,300 और 300 1,600 और 2,3600, ठीक है, 3600 रुपए अभी ऐसी जीएसटी हमारे पास है जो हम अगले साल के लिए भी पहले भर चुके हैं, यानी कि अगले साल एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका तो कोई मामला ही नहीं है। तो अब अगले साल एडजस्ट करेंगे या अगले महीने में जब जीएसटी वगैरह होगी तो नेक्स्ट मंथ के लिए क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो अब हमने जितनी पे की उसे छोड़िए, जितनी हमने कलेक्ट की है गवर्नमेंट को पे करने के लिए उसे पकड़ लो, ठीक है, गवर्नमेंट को पे करने के लिए आउटपुट सीजीएसटी 38,700, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 38,700, आउटपुट एसजीएसटी
अकाउंट डेबिट 38,700 टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 42,300 था ना, 42,300 में से 38,700 ही एडजस्ट करना है, 38,700 टू इनपुट एसजीएसटी 38,700। कहने का मतलब ये हुआ यदि आउटपुट ज्यादा हो इनपुट कम हो तो हमें क्या करना है, जितना आउटपुट के जरिए हमने ज्यादा रिसीव किया है वो पे करना पड़ता है टू बैंक करके। यदि आउटपुट कम है इनपुट ज्यादा है तो इसका मतलब हमने पहले से ही ज्यादा पे कर दिया, केवल अगेंस्ट में उतना चार्ज कर लेंगे जितना इनपुट हम पे करके आए हैं, ठीक है। बाकी जो इनपुट ज्यादा है वो नेक्स्ट मंथ के लिए हम अगेंस्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ एडजस्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में ये क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो कि कंप्लीट हो गया, और ये चैप्टर में 2 दिन और लगेंगे, यानी कि इस वीक में मैं कहूं तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इसको कंप्लीट कर लेना, बहुत जल्दी टेस्ट अनाउंस होगा इसके लिए भी, ठीक है। इस वीडियो को आप लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो बेटे अगर अभी तक नहीं किया है तो। धन्यवाद।